मारवा स्टूडियो में चल रहे 7वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के दूसरे दिन के सेकंड इनिंग में वर्तमान समय में पत्रकारिता के बदलते हुए स्वरूप और उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर गहन मंथन में चिंतन किया गया। इस कार्यक्रम में कर्नल प्रदीप गुप्ता, डॉक्टर ऋषि राज सिंह, पवन कुमार, सूर्यभान सिंह, शील वर्मा, पवन राज सिंह, जागृति मेहता सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रबुद्ध गणमान्य महानुभावों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। सातवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की अध्यक्षता करते हुए ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि भगवान ने हमें इतनी ताकतें दी हैं कि हम खुद को बना सके और खुद को मिटा सके। स्वयं विधाता होवे मानव, अंतर में विश्वास जगाओ, चलो न मिटते पद चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ, अपनी आत्म ज्योति पर निर्भर अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। हकीकत तो यह है कि परमपिता परमेश्वर ने हमें वो सारी ताकतें दी हैं जो परमात्मा खुद अपने पास रखता है, चाहे वो इट्स पावर टू जनरेट, पावर टू ऑपरेट एंड पावर टू डिस्ट्रॉय, GOD, जो तीन ये अक्षर हैं, ये तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करते हैं, the unseen power which can generate, which can operate and which can destroy. And God has been so kind that He has bestowed upon all the powers on us, and it's entirely up to us that how we can use these powers for the benefit of humanity or for the destruction. And I think in this institution we've been propagating humanity, spirituality, which is very slowly and gradually associated with all our education, all our events, and we want that our students, people who are associated with Marva Studios, with all of our organization, should be first good human beings and then professionals. And we're very happy that our students learning well, they're doing well, and why they are successful, because they have learned a lot from this institution, especially the spirituality and the humanity, because that's the biggest religion we have ever believed in. A good journalist is one who's a good human being. There is no second thought about it. Somebody who's a good human being, he has to be a journalist. There is no doubt to it, and that's what we have always believed in. Probably that's the reason that this institution has also given some of the finest journalists, some of the finest people in mass communication and media, in cinema, and probably in every mediums of media. With all these words, I welcome you all to this beautiful session. We have some very prominent people from different fields who are going to express themselves about what they expect from journalism. Aaj ka baat karne ka mudda hi yahi rahega ki hum ek acche journalism se ya journalism se hum kya expect karte hain, hamari kya aashayein hain as a citizen of this country. Pratyek vyakti mein apar kshamtaye hain, lekin sahi margdarshan evam uchit platform na mil pane ke karan pratibhaon ka daman ho jata hai. प्रतिभावान लोगों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए ऐसे फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। निश्चित रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखने वाले तमाम युवाओं एवं छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सशक्त नारी परिषद की अध्यक्षा दीपा कुमारी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें अपनी बातों को रखने में, अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। डॉक्टर ऋषि राज सिंह ने कहा कि असफलता से कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि असफलता ही आपको सीखने का सबसे बड़ा अवसर प्रदान करती है। ईश्वर ने सबको अद्भुत क्षमता दी है,
बस जरूरत है अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का। यदि आप अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फोरम पोस्टर का अनावरण भी किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके दृढ़ विश्वास कर्तव्य परायणता के लिए युगो युगो तक याद रखा गया है। इस फेस्टिवल में आए हुए सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपने ज्ञान कुंज की प्रकाश किरणों से लोगों को सिंचित किया और अपने अनुभवों के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास भी किया कि एक अच्छे पत्रकार के लिए यह जरूरी है कि उसका कार्य समयबद्ध हो, सकारात्मक और उद्देश्य परक होना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। But another interesting thing, Mr. Marwa, whatever the event or the festival he is organizing, I love him very much for that. Not only he is a good person, but he is doing a lot of good work for the others people. And I saw his happiness when he do more work for that, and a lot of activities for that. And for more than 10 years, I am in touch with him. Every time, some new things, some new learning for that. One thing for the journalism, I want to say also that I heard a word, I think, from the MOC about Madam Sheel Verma, 84 years old. I don't agree with this there. We should always say 84 years young. That is positive thing because I have learned this throughout my life also there. I saw one of my mentor also who is 86 years young. He's still so energetic. I can feel tired, but he never feels tired. And learning from his life also there, this is my journey also. And the job, if I go through the government, through the NGO, through the bank, this is my 13th job. And only 1 week ago, 14th job, I have joined as a director general. In the government, I have been director training, in charge of the international training courses for that. But why I love this one, and one more thing is left out because I am involved in the training. And when परंतु उन कठिनाइयों को या तो मैं रोते रहती, दो ही रास्ते होते हैं ना, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या लड़िए उससे। तो अंत में मैंने यही सोचा कि ये तो बेकार बात है, लड़ो धीरे धीरे। सरकार के लिए भी यही होना चाहिए, बिल्कुल, अपने पत्रकारिता के प्रोफेशन में लड़े या हाँ बिल्कुल, और सच के लिए करें। और क्योंकि ये तो फैक्ट है कि अगर आप आज झूठ बोलेंगे, 3 दिन बाद आप यही भूल जाएंगे कि आपने क्या झूठ बोला था। सो इसलिए बेहतर है कि आप झूठ बोले ही नहीं, सच बोलिए। ये ठीक है, घुमा फिरा के बोल सकते हैं अगर आप डरते हैं कि आपको साफ सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का युग ऐसा युग है कि अगर आप बिल्कुल सच बात बोल देंगे किसी को, हो सकता है ऐसे भी बच्चे हैं जो जेब में से कुछ निकाल के और उसी वक्त मार देंगे आपको। तो इसलिए थोड़ा टैक्टफुल होकर बोलिए और आगे बढ़ते जाइए। सेकंड थिंग इज, अपने बारे में कभी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि हम कुछ नहीं हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। देखिए, मैंने इतने साल ज़िंदगी के बिताए, बहुत बहुत मुश्किलों से बिताए, लेकिन अगर मुश्किल को मुश्किल ना सोचा जाए तो वो अपने आप सही हो जाती है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि भगवान हमारे ही अंदर है। अगर मैं कृष्ण जी का नाम लूँ, राम जी की पूजा करूँ, उससे क्या फ़ायदा, वो तो मूर्ति वहीं रह जाएगी ना मंदिर में।
पर अगर मैं सोचूंगी मेरे भीतर भी मंदिर है, भीतर ही भगवान है, तो कोई कठिनाई नहीं आती। और दूसरी बात, जीभ पर दो चीज़ों के लिए हमेशा काबू रखना चाहिए, जब हम बोलें सोच के बोलें, और दूसरी क्या, यस करेक्ट, ताकि बीमारी ना आए, ताकि इस उम्र में भी प्रभु की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है। ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का तात्पर्य यही था कि हम लोग 3 दिन के इस मेले में 12 तारीख जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है और 13 तारीख जो वर्ल्ड रेडियो डे यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है और 14 तारीख कल जो वैलेंटाइंस डे मनाया जाएगा, इन तीनों दिन को जोड़कर एक भव्य कार्यक्रम करने का ये जो ये प्रयास था वो आज फिर से एक बार कामयाब होता नज़र आया है। ये हमारा 7वां एडिशन है मेले का और सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हमारी कोशिश रही है कि पत्रकारिता से जुड़े हुए सभी सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाए। विभिन्न किस्म के सेमिनार, वर्कशॉप, विभिन्न किस्म के सवालों का जवाब दिया जा रहा है ताकि जो उत्सुकता, जो जिज्ञासा लोगों के मन में पत्रकारिता को लेकर हो रही है वो ठंडी पड़े। लोगों का एक गलत इम्प्रेशन जा रहा है कि पत्रकारिता में, पूरे जर्नलिज्म के इस ट्रेड में कहीं दाग लग रहा है, तो उस दाग को लगता हुआ देखकर ये फ़र्ज़ बन जाता है हमारे सभी का कि हम लोग पॉजिटिव पत्रकारिता की, पॉजिटिव जर्नलिज्म की बात करें कि जब आप अखबार खोलते हैं तो लोगों का कहना है कि नेगेटिविटी क्यों है। अब ये समझाना उन्हें ज़रूरी है कि यही पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि वो समाज की किसी न किसी बुराई को सामने लाकर पढ़ने वालों को ये इतला कर दे और उन्हें कॉन्शियस कर दे कि कम से कम आप तो ये गलती मत करिए। और हमारे देश की पत्रकारिता, पूरा जो जर्नलिज़्म हमारा ट्रेड है पूरे देश का, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड गिना जाता है क्योंकि 130 करोड़ की आबादी के अंदर आप सोचिए कि 40,000 से भी ज़्यादा पत्र छपते हैं और आम जनता तक पहुंचने की कोशिश रहती है। 950 चैनल हैं जिसमें तकरीबन 60 चैनल न्यूज़ चैनल हैं जो जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारी आज की युग की बनने वाली जो फिल्में हैं वो भी हमारे ही खबरों से सब्जेक्ट उठाकर और उन्हें दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि पूरा जर्नलिज़्म देश को उजागर और उभारने की कोशिश कर रहा है, ये समझना आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा क्योंकि आज भी रेडियो के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार सुबह हुआ था और हम लोगों ने पूरे रेडियो को ट्रिब्यूट किया है क्योंकि ये आज भी सबसे बड़ा साधन है आम जनता तक पहुँचने का। और ये याद रखिए कि सूरज की किरणें इस धरती पे सबसे ज़्यादा पड़ती हैं और उसके बाद अगर कोई भी रेज इस धरती पे फैलती हैं तो वो रेडियो स्टेशनों की फैलती हैं। तो आप ये समझिए कि इतनी रेज हैं हमारे रेडियो की पूरी धरती के ऊपर। 350 से भी ज़्यादा चैनल इस वक्त हमारे देश में चल रहे हैं और तकरीबन 150 नए लाइसेंसेज रेडियो के दिए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को भी प्रमोट किया जाए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग नोएडा का पहला रेडियो स्टेशन यहाँ से चला सके, रेडियो नोएडा 107.4 FM। और जब 9 साल पहले ये रेडियो खुला था तो लोगों ने यही सवाल किया था कि रेडियो की क्या ज़रूरत थी, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि रेडियो नोएडा तकरीबन 10 लाख लोगों तक पहुँच रहा है। पूरा नोएडा, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, पार्ट ऑफ गाज़ियाबाद और पार्ट ऑफ फरीदाबाद इस पूरे स्टेशन को सुन रहा है और लोग बड़ी उत्सुकता से, बड़े जिज्ञासा के साथ रेडियो नोएडा को सुनना चाहते हैं कि नोएडा जैसे इस भव्य शहर में क्या क्या हो रहा है वो रेडियो नोएडा बताता है।